आज की क्लास करने वाले हैं हम प्रयोगशाला परिचालक, जिसमें क्लास टू है सेकंड पार्ट का पार्ट वन वीडियो, जिसमें सामान्य भौतिक यानी कि फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा ध्वनि। आज हम पढ़ेंगे जिसमें श्रव्य, पराश्रव्य, अश्रव्य, चाल, दूरी, जितने भी आपके ध्वनि से एग्जाम में बनते हैं। ये आपका पार्ट वन वीडियो है। कौन सा वीडियो है? पार्ट वन वीडियो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बने रहिएगा पार्ट वन वीडियो में, जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप प्रयोगशाला, हॉस्टल वार्डन, एडीओ या अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेहतर क्लास के लिए हमारे इस टैग के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां पर अपना नाम लिखकर कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो में जो हम क्लासेस करा रहे हैं, इनका वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सामान्य भौतिक से, जिसमें आपको पूरा ये डायग्राम आपको हम कराने वाले, ध्वनि की आवृत्ति और जितने भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तीव्रता, तारत्व, गुणता, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ध्वनि की चाल, यानी कि सबसे अधिक द्रवों में या सबसे कम क्या होता है, कैसे पूछा जाता है, तरंग होता क्या है या यांत्रिक तरंग होता क्या है, जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम आपको कवर कराते चलेंगे। जैसे यहाँ पर श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। तो क्लास की ओर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला है आपका, जिसमें प्रयोगशाला परिचालक के यहाँ से सामान्य भौतिक में ध्वनि होती क्या है। तो एक बार समझिएगा ध्वनि क्या है, यानी कि जो हमारी आवाजें आ रही है कि जो हमारी आवाज आ रही है वही आपकी ध्वनि है। जो आपको मेरी आवाज आपको क्लियर समझा पा रहा हूँगा, मैं जो आपको क्लियर समझा रहा हूँ, जो ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवृत्ति, यानी कि जैसे कि हम किसी फोन पर बात वगैरह करते हैं तो ध्वनि निकलती है, तो हमें कान तक जो सुनाई देता है वही आपकी ध्वनि है। तो चलिए देखते हैं ध्वनि होती क्या है। जैसे शोर वगैरह हो गया, बहुत सारी ध्वनियां होती है जिसमें ध्वनि की प्रकार होते हैं, वो तीन प्रकार से होते हैं, श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। कौन कौन से तरंग होते हैं एक बार आप पर फिर से बताइएगा, जिसमें आपका होगा श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य तरंग, ठीक है। तो श्रव्य तरंग, यहाँ पर थोड़ा लाइट बंद हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो उसकी वजह से आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिसमें आपका रहेगा, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो पराश्रव्य है, लाइट आने दे, इसके बाद आप लोग क्लास करते रहिएगा कंटिन्यू, ठीक है। जो श्रव्य तरंगे हैं, मतलब श्रव्य तरंग जो होती है, मतलब जो मनुष्य की सुनने की क्षमता, वही आपकी श्रव्य तरंग, ठीक है। जिसमें आपका आएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखना ये आपका श्रव्य है, ठीक है। उसके बाद अश्रव्य तरंग का मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से कम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद पराश्रव्य तरंग वे होती है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग में ये आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट, जिसमें 20 हर्ट्ज, और ये आपका जाएगा 20 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर श्रव्य तरंग, इसमें सुनने की जो क्षमता होती है क्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। श्रव्य तरंग वे तरंग है जिनमें आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से सुनने की आवश्यकता है, जिसमें इस मनुष्य में कान के पर्दे अनुभव करते हैं, यानी कि जो हमारी सुनने की जो क्षमता होती है 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये एचजे का मतलब, ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अश्रव्य तरंग का मतलब होता है, जिसमें इसका वो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि कौन कौन सुन सकते हैं, कौन कौन नहीं सुन सकते, है ना। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज में आपका जो मनुष्य है, ठीक है, जो मनुष्य है, मनुष्य की सुनने की क्षमता, मनुष्य की सुनने की क्षमता, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसका नोट्स आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, अगर वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल बेहतर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम यहाँ से बनेंगे।
ठीक है। या आप देखेंगे 20,000 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य तरंग है, जिसमें मनुष्य यानी कि इससे कम या अधिक आवृत्ति नहीं होती। जबकि अश्रव्य तरंग में क्या क्या आएगा, तो देखिएगा नोट करते चलेंगे। अश्रव्य तरंग में तो यहाँ पर देखेंगे, अश्रव्य तरंग में आपका आ जाएगा 20 हर्ट्ज से, यानी कि हृदय की गति, जो हमारी हृदय की गति है, धड़कन है, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो ये पढ़ लीजिएगा हृदय की गति हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हृदय की गति भूकंप की तरंग, ठीक है, जो भूकंप आती है ना उसकी जो तरंग पैदा होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। भूकंप की तरंग, भूकंप, ठीक है, भूकंप की तरंग, ठीक है, ये आपका हो गया। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे भूकंप तरंग की जो बात, जो हाथी, वेल, ये सब क्या है, 20 हर्ट्ज से कम सुनने की आवश्यकता। यानी कि देखिए, अगर 20,000 हर्ट्ज से, 20,000 हर्ट्ज से, यानी कि हमारी जो आवाज है जो हम सुन सकते हैं, और हमारे से जो कम सुनने की जो क्षमता होती है सबसे, उसी को अश्रव्य तरंग कहते हैं। जैसे हाथी जो है, हाथी बहुत दूर रहेगा लेकिन वो 2 से 3 किलोमीटर की आवाज में जो तरंग उत्पन्न होगा उनको आसानी से सुन सकता है। जैसे व्हेल मछली, ठीक है, व्हेल मछली, ये भी आपको आसानी से सुन सकता है, ये 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, ये भी सुन सकते हैं। ये दोनों आ जाएगा जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को सुन सकते हैं, कम की आवृत्ति को सुन सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, कम की आवृत्ति को सुन सकते हैं, यही आपका हो गया अश्रव्य तरंग, ठीक है। इसके बाद जो श्रव्य तरंग है, इसके बाद जो आएगा है ना, ये आपका हो जाएगा अश्रव्य तरंग, जिसमें आपका कंटिन्यू रहेगा, जो आपका परफेक्ट लेवल का बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो 20,000 हर्ट्ज से आपका जो परश्रव्य तरंग है, जिसमें कौन कौन आएंगे, तो परश्रव्य तरंग में यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसमें आपका आएगा, नोट करते चलेंगे, जिसमें आपका रहेगा, ठीक है, ये आपका कौन कौन सा रहेगा, डॉल्फिन मछली, चमगादड़, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी। तो यहाँ पर आ जाएगा डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली। इसके बाद आपका आ जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा ही रह गया, चलो ठीक है, डॉल्फिन मछली हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका बिल्ली, ठीक है, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये क्या है, सभी आपका ये सभी आपके परश्रव्य तरंग, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक सुनने वाली, यानी कि जो डॉल्फिन मछली है, बिल्ली है, कुत्ता है ना, चमगादड़ है, रडार, ये सभी मैं आपको बताऊंगा, सोनार क्या होता है, रडार क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जिसमें आपका आ जाएगा चिड़िया, चिड़िया भी क्या है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक सुनने की क्षमता है, लेकिन हम 20,000 हर्ट्ज से अधिक क्षमता नहीं सुन पाएंगे, ये जो चिड़िया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक को सुन सकते, इसमें क्षमता होती है ना। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि हृदय की गति, भूकंप की तरंग, या फिर हाथी, या फिर व्हेल मछली, इनमें से कौन से तरंग है, तो आप बताएंगे अश्रव्य तरंग, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक सुनने की जो क्षमता रखती है, तो डॉल्फिन मछली है, बिल्ली है, कुत्ता है, चिड़िया है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछते हैं, वही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए देखेंगे यहाँ से जो आपके आगामी एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि के लक्षण, ठीक है, जो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्वनि के लक्षण से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्वनि क्या है मैं आपको बता दिया, ध्वनि के लक्षण से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्वनि के लक्षण को 3 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो ध्वनि के जो लक्षण होता है उसको 3 भागों में बांटते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता को आइडेंसिटी भी कहा जाता है, तारत्व को पिच भी कहा जाता है, और गुणता को क्वांटिटी भी कहा जाता है। तो आगे यहाँ पर देखेंगे ध्वनि के लक्षण जो कि तीव्रता, इनको आइडेंटिटी भी कहा जाता है, तारत्व को पिच और गुणता को क्वांटिटी भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पिच,
ठीक है, इसको हम कहेंगे पिच और इसको कहेंगे क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, इसको आप याद रखना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पिच और ये आपका आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखेंगे तीव्रता होता क्या है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, पॉइंट हिसाब से देखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है ना, तो ये जो तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, तीव्रता, तीव्रता, एक मिनट ना, थोड़ा सा इसको, एक मिनट, ये आ जाएगा ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है, मापा जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है, डेसीबल, है ना, डेसीबल को डीबी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे एग्जाम में पूछा जाएगा ध्वनि के लक्षण में तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो यहां पर देखिए तीव्रता का, ठीक है, तीव्रता का एसआई मात्रक, ठीक है, तो तीव्रता का एसआई मात्रक होता है डेसीबल, इसको याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जाएगा डेसी बल, ठीक है, इसको डीबी भी कहा जाता है। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया तीव्रता होती क्या है, यानी तीव्रता का ध्वनि का तेज सुनाई देना या कभी कभी कम सुनाई देना, ये आपके ध्वनि की तीव्रता का लक्षण है। यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्वनि के लक्षण, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कभी कभी ध्वनि के लक्षण होता है कि कभी कभी हमारी आवाज जो है ऊंचा सुनाई देगा या कभी कभी हमारी आवाज जो है कम सुनाई देगी, जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो तीव्रता है, जैसे खिड़की की बाहर, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो खिड़की के बाहर मेरी आवाज जा रही होगी, या फिर कमरे के बाहर आपको जा रहा होगा, या कमरे में खाली कमरा है तो खाली कमरे में मेरी आवाज क्या गूंजेगा, यही आपकी तीव्रता का लक्षण है। तो कभी क्या हुआ, तीव्रता में अधिक आवाज सुनाई देगी आपको, अधिक आवाज, ठीक है, अधिक आवाज, जहां पर कमेंट ना करे ना, अधिक आवाज या फिर मैसेज ना करे, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो अधिक आवाज और या फिर कम, ठीक है, कम आवाज आपको सुनाई देगा, आवाज आपको सुनाई देगा, यही आपकी तीव्रता का लक्षण है। तो इसमें देखिएगा यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको नोट कीजिएगा कि श्वास, जैसे कि हम सांस लेते हैं, है ना, तो सांस लेते हैं, तो ये इसका भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि ध्वनि की लक्षण, यानी कि जो हमारी आवाज है, तो श्वास, जैसे हम सांस लेते हैं, तो इसकी जो तीव्रता कितनी होती है, कितना डेसीबल में मापा जाता है, तो श्वास का आएगा आपका 10 डेसीबल, ठीक है, कितना आएगा श्वास का, आपका आएगा 10 डेसीबल, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर देखेंगे श्वास का 10 डेसीबल, उसी प्रकार आपका आ जाएगा फुसफुसाहट, जैसे कि हम फुसफुस, जैसे कि हम फुसफुसाहट करते हैं, तो इसका आपका आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 डेसीबल, यानी कि फुसफुसाहट आपका आ जाएगा 30 डीबी, 30 डीबी का मतलब है तो 30 डेसीबल, इसको कम हम याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका रहेगा बातचीत, हम जैसे करेंगे किसी के साथ बात करना, घुलना मिलना, है ना, तो बातचीत करेंगे, तो इसका आ जाएगा आपका 50 से 60, ठीक है, 50 से 60 डेसीबल तक, ठीक है, इतना आपको कवर हो गया। अब इसमें देखेंगे अत्यधिक शोरगुल करेंगे, अत्यधिक बातें करेंगे, शोरगुल, है ना, ज्यादा ज्यादा हल्ला करेंगे, शोरगुल करेंगे, शोरगुल, ठीक है, शोरगुल करेंगे तो इतना कितना आ जाएगा 80 डेसीबल, कितना आ जाएगा 80 डेसीबल, या अगर 80 डेसीबल से अधिक छूने की क्षमता, ठीक है, 80 अगर डेसीबल है तो ये हमारी छूने की जो क्षमता से बाहर है, ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये समझिएगा, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है हमारी, उसको डेसिबल से मापा जाता है, जिसके तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होगा, ये कभी कभी आपको अधिक आवाज में सुनाई देगा या कभी कभी आपको कम धीमा धीमा सुनाई देगा, ये आपका तीव्रता के लक्षण है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही श्वास के लिए बताएं, तो श्वास का 10 डेसीबल, जैसे हम श्वास लेंगे, है ना, तो उसका कभी कभी 10 से 15 डेसीबल हो जाता है ना, कभी कभी थोड़ा
जो जोर से सांस लेंगे है ना, अधिक सांस लेंगे तो इसमें, या कम सांस लेंगे तो 10 से 15 डेसिबल के आसपास होता है। उसी प्रकार जो फुसफुसाहट है, फुसफुस करके जो सांस लेते हैं, वो आपका 30 डेसिबल मान लीजिएगा। कितना डेसिबल? तो आपका 30 डेसिबल। यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा? ठीक है, तो जिसमें आपको कंफर्म रहेगा है ना, तो जिसमें आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर पिच, मतलब जो तारत्व है, इसको नोट करते चलेंगे। जो तारत्व होता है, तो तारत्व कभी कभी जो ध्वनि होती है, कभी कभी जो ध्वनि होती है नहीं, हमारी जो ध्वनि है, ध्वनि कभी कभी मोटा सुनाई देगा, ठीक है, कभी कभी मोटा आएगा या कभी कभी पतला आएगा। क्या आएगा? कभी कभी मोटा आएगा या कभी कभी पतला आएगा। देखिए, मोटा का मतलब यह है कि कभी कभी आपको मोटा या फिर पतला सुनाई देगा, यह आपके तारत्व है, यानी कि ध्वनि की गुणता का तारत्व। यानी कि किसी किसी के जो आवाज होती है मोटा आता है, या किसी किसी के जो आवाज होता है यह पतला आता है, यही आपका तारत्व है, यानी कि ध्वनि की तारत्व है ना। तो अगर एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि ध्वनि अगर किसकी सुनाई देगी, मोटा आवाज या फिर पतला आवाज, तो किसका है आपका, तो ध्वनि की तारत्व पर निर्भर करता है। तो मोटा किस में आएगा, तो ध्यान से समझिएगा, जो मोटा वाली बात है ये आपके पुरुष के लिए हो सकता है, ठीक है। जो पुरुष है, पुरुष की आवाज आपकी मोटा आएगी है नहीं, तो उसके क्या होगा, तारत्व तो क्या होगा, कम होगा। तो इसका तारत्व तो क्या होगा, ये आपका, इसका तारत्व तो क्या होगा, कम होगा। तारत्व तो आपका कम होगा है ना। अगर ये पतला आवाज आएगा, तो पतला, जैसे कि महिला जो होती है ना, मैं आपको नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ ना, लेकिन जो महिला होती है, आप लोग डरना मत है ना, घबराना मत, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो महिला होती है, तो महिला की जो आवाज होती है वो पतली होती है, लेकिन पतली होती है, लेकिन उसकी जो आवाज होती है तीव्रता होती है, मतलब अधिक होती है, बहुत ज्यादा चिल्लाहट टाइप की होती है ना। तो जो स्त्री है, ठीक है, तो स्त्री की जो आवाज आती है पतला आती है, उसका तारत्व क्या होता है, तारत्व अधिक होता है। अधिक क्या होता है, अधिक होता है। या जैसे देखिए, पिच मतलब जो मोटा है, मोटा आवाज जैसे पुरुष का है ना, जो हमारी आवाज है, हमारी मोटा आवाज है, लेकिन जो आवाज आती है तारत्व होता है, कम होता है, इसको याद रखना, ठीक है। ये यह आपका यहाँ तक हो गया। अब क्वांटिटी देखेंगे, जो क्वांटिटी है आपका, ठीक है, जो क्वांटिटी है आपका, मतलब देखिए, समान तीव्रता वाले और समान के बीच दोनों में क्या होती है, अंतर होता है। जैसे कि अभी देखें, तीव्र ये आपका एसआई मात्रक, देखें इसकी आवाज आपको कम सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, लेकिन इसमें क्या है, आपका मोटा, यानी कि पुरुष की आवाज जो है मोटा आएगा, लेकिन तारत्व तो क्या होगा, कम। उसी प्रकार अगर देखिए, पतला आवाज है स्त्री का, महिला का, तो उसका तारत्व तो क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ये आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा ध्वनि के लक्षण में। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब गुणता है, तो गुणता में देखेंगे, जो गुणता होती है क्या होती है, तो देखेंगे गुणता क्या है। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, गुणता में, ठीक है, ये देखिएगा यहां पर जो गुणता है, तो यहां पर नोट करते चलेंगे गुणता में, कि समान तीव्रता में, ठीक है, जो समान तीव्रता है आपका, तो इसमें आएंगी क्वांटता, यानी कि गुणता में क्या होगी, इसको नोट करते चलेंगे, गुणता में होगा आपका समान तीव्रता वाले, समान ये आपका हो जाएगा तीव्रता, ठीक है, समान तीव्रता व तारत्व का तीव्रता में अंतर, तारत्व एक मिनट, तारत्व तीव्रता में अंतर, ये आपका आ जाएगा यहां तक। इसके बाद है, जो एक साथ बजते हैं वाद्य यंत्र, यानी कि एक साथ जो बजते हैं आपको वाद्य यंत्र, जैसे कि आप देखिए, एक साथ बजेंगे वाद्य यंत्र, पोंगा हो गया, माइक हो गया, जो भी आपको आपको बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगा, लेकिन आप देखिए, अपने परिचितों की आवाज पहचानना, यानी कि भीड़ व्यक्ति में या मेला में, ग्राउंड में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके बीच में अपने आप को, यानी अपने फैमिली को अगर आप बुलाओगे, तो आपको वही, मतलब अपने परिचितों की आवाज आपको पहचानना, यानी कि बहुत सारे ग्राउंड है, मान लीजिएगा ये ग्राउंड है, ठीक है,
मान लीजिए आपका कोई एक ग्राउंड है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, उनमें आपको कोई फैमिली वाला व्यक्ति हो गया और उनकी आवाज आ रही है, तो आप आसानी से इसको पहचान लोगे। ठीक है, क्या करोगे, आसानी से इसको पहचान लोगे। वही अभी क्या होगी, गुणता होगी, ध्वनि की गुणता। जैसे कि बहुत सारे भीड़ लगा हुआ, ठीक है, बहुत भीड़ लगा हुआ है और उसमें आपके पहचान वाले हैं या अपने व्यक्ति हैं, तो उन लोग बात कर रहे हैं, तो आप पहचान लोगों की ये हमारे माता की आवाज है या पिता की आवाज है या भाई बहन की आवाज है। आप ऐसे आपको पहचान लोगों की कि अपने का ये आपकी गुणता होती है। तो ध्वनि की क्या होगी, गुणता। तो अपने अपने परिचितों को पहचानना या अपने परिवारों को पहचानना, इनकी गुणता है ध्वनि का। ठीक है, यहाँ तक आप तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार एक साथ बजते वाद्य यंत्र, ये आपका तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे, या अपने परिवार को। ठीक है, या यहाँ पर देखिएगा, अपने अपने परिवार या पर एक मिनट ना, अपने परिवार या ठीक है परिचित व्यक्ति, परिचित व्यक्ति। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ध्वनि की चाल ये आपने आपने नोट कर लिया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लें। तो ध्वनि की चाल देखेंगे, जो होता क्या है, यहाँ पर बार बार मैं बोल रहा हूँ, कमेंट ना करें। ठीक है, तो ध्वनि की चाल होता क्या है, तो देखिए ध्वनि की चाल कैसे पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझाते चलूंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ध्वनि की चाल है, जो बिल्कुल आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, जो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ध्वनि की चाल में जो सबसे अधिक कौन सा और सबसे द्रव में और सबसे कम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तरंग। तो इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर आप तरंग समझिएगा, तरंग होता क्या है ना, तरंग को ध्यान से समझना। ये आपका तरंग, तरंग क्या है इसको ध्यान से समझिएगा, होता क्या है। तो तरंग मतलब तरंग की प्रति सेकंड या एक सेकंड में गति करना आपका तरंग कहलाता है। तरंग को दो भागों में बांटा जाता है, तो इसका आ जाएगा, दो भागों में बांटा जाएगा तो इसका आपका आ जाएगा यांत्रिक तरंग। ठीक है, कौन सा तरंग आपका आ जाएगा, यांत्रिक तरंग, और दूसरा है आपका अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। ठीक है, तो देखिए जो यांत्रिक तरंग है और अयांत्रिक तरंग है, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा जो आपको मैं समझाते चल रहा हूँ, एग्जाम में पूछता है यांत्रिक तरंग, है ना, तो यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पर समझिएगा, इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, इसका आ जाएगा अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग अभी होता क्या है आपको समझाऊंगा, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, ये आपका आ जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। तो बिल्कुल स्पष्ट है, आप लोग समझते चलिएगा, ये आपका अयांत्रिक तरंग में भी आएगा, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ, ठीक है, तो समझिएगा। तो यांत्रिक तरंग का मतलब सीधा सीधा है कि माध्यमिक, मतलब तरंग होता क्या है, यांत्रिक तरंग क्या है, माध्यम से। ठीक है, यांत्रिक तरंग को कैसे हम समझेंगे, यांत्रिक होता क्या है, तो एक तरंग मतलब चलने का जो माध्यम होता है, यानी कि सीधे सीधे मैं बात करूं, जो आपका जो बिल्कुल है कि यांत्रिक होगा कि अयांत्रिक होगा, तो माध्यम से, यानी कि ऐसे तरंग जिसका माध्यम होता है या माध्यमिक होता है संचरण हेतु, यानी कि इसने इसके चलने के लिए जो संचरण की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको यांत्रिक तरंग कहा जाता है। तो यांत्रिक तरंग को देखिएगा, एक मिनट ना, थोड़ा सा यांत्रिक तरंग को देखेंगे, जो यांत्रिक तरंग को पहचानने का तरीका है आपको माध्यम, एक मिनट ना, यांत्रिक तरंग को नापना है आपका माध्यम, और जो यांत्रिक तरंग है आपका ठोस द्रव और गैस तीनों में इसका लिया जाएगा। ठीक है, क्या कहेगा, ठोस द्रव
गैस, ठीक है, ये इसका माध्यम है। तो यांत्रिक जो तरंग रहेगा, निर्धारित तरंग रहेगा, वो ठोस, द्रव, गैस सभी चीजें में रहेगा, जबकि जो अयांत्रिक तरंग है वो निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात होता है, ठीक है, निर्वात होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अनुप्रस्थ तरंग वे होते हैं जो सीधे सीधे प्रकाश में चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या हो गया? सीधे सीधे प्रकाश है, या फिर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग क्या हुआ? आड़ी तिरछा, किसी भी प्रकार का आ सकता है। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट ना, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, तो ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि की तीव्रता, यानी कि ध्वनि हमारी आवाज आ रही है, अनुदैर्ध्य तरंग होगा। अनुदैर्ध्य तरंग को कैसे पहचानेंगे? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कैसे होगा? तो ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सीधे सीधे आपके पास तो नहीं जा रहा होगा, या किसी लैपटॉप से जा रहा होगा, या मोबाइल के माध्यम से आपको मिल रहा होगा मेरी आवाज, है ना, या फिर मेरी जो आवाज है वो खिड़की की बाहर जा रही होगी, या फिर कमरे में गूंज रहा होगा, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग है डायरेक्ट, यानी कि जैसे सूर्य की प्रकाश, प्रकाश कौन से तरंग है एग्जाम में अगर पूछ ले जाए तब क्या बताएंगे? प्रकाश कौन से तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है या अयांत्रिक तरंग है, यानी कि सीधे सीधे प्रकाश, जैसे टॉर्च, टॉर्च को जैसे मैं आपको दिखाऊंगा टॉर्च को, ठीक है, अगर टॉर्च आपको दिखाता हूँ तो टॉर्च आपको सीधे सीधे ही जाएगा, अगर दर्पण में करेंगे तो परावर्तित होगी, है ना। तो वही आपका जैसे प्रकाश सीधे सीधे ही जा रहा होगा, आपको कौन सा होगा? अनुप्रस्थ तरंग होगा। और जो अनुदैर्ध्य तरंग है, ना कि सीधा ना कर जाके आड़ी तिरछी जाएगा, उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो सबसे बेस्ट उदाहरण आपका ध्वनि है, और आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्वनि कौन सी तरंग है? तो आप बताएंगे ध्वनि अयांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश निर्वात में गमन करती है, तो डायरेक्ट जाती है, तो प्रकाश में क्या आएगा? अनुप्रस्थ तरंग होगी। चलिए आप नोट करते, यही मैं आपको समझा रहा था, जिसमें ध्वनि की क्या क्या विशेषता है यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्वनि की चाल, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे चाल वाला, यहाँ पर नोट करें, ठीक है, तो नोट करेंगे ये आपको सबसे अधिक किसमें होगा? द्रव में, ठोस में, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो यहाँ पर देखेंगे ध्वनि की जो चाल होती है, जैसे ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर, यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो चाल होती है माध्यम पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, यहां तक आपका कवर हो चुका होगा। अब देखेंगे जिसमें आपका ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, वही आपको बताया ना, और सबसे अधिक किसमें रहती है? तो ठोस में। तो देखिए ये सबसे अधिक क्या है? ठोस है। तो यहां पर देखिए कौन सा द्रव है? ये आपका ठोस है, ठोस, ये हो गया आपका ठोस जो सबसे अधिक होती है, द्रव हो गया, और ये सबसे कम है आपका वायु, वायु यानी कि ये आपका निर्वात समझिएगा, वायु, है ना। तो ये आपका देखिए, यहाँ से एग्जाम्पल में आपके लिए ये डायग्राम बनाया हूँ, इसमें आपको बिल्कुल बेहतर समझ में आएगा। ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, पहला पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर नोट करे चलेंगे, ध्वनि की चाल में जिसमें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, संचरण के लिए, यानी कि ध्वनि को संचरण के लिए, चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो ठोस, द्रव, गैस पर निर्भर करती है। अब ठोस कैसे आपको समझ में आएगा? आपको एग्जाम्पल अगर पूछे, बरसात में ट्रेन के जो सायरन होती है दूर दूर तक सुनाई देती है, ऐसा क्यों? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे, इसका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, ठोस, द्रव और गैस,
किसमें सबसे अधिक सुनाई देगा? तो ध्वनि की जो, सॉरी, बरसात में जो ट्रेन है ना, तो दूर तक आती जो सायरन है, दूर तक उसकी ट्रेन की आवाज आएगी, दूर तक जो ट्रेन की आवाज आएगी वो आपको कैसे सुनाई देगा? तो जैसे पटरी, पटरी में जो देखे होगे ना पीछे रहता है, यहाँ पर आप समझिएगा, 1 मिनट आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर चलते हैं। तो देखिए, मान लीजिएगा ये ट्रेन है, मान लीजिएगा ये कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है जो पटरी से आ रही है, इधर पटरी में आ रही है, तो पटरी क्या है आपका? ठोस है, ये ठोस है। यहाँ पर आप कान लगा के सुनोगे तो दूर से आवाज आती है, झनक से आती है, तो ठोस में भी आपको आएगा। तो ध्वनि की जैसे बरसात में ट्रेन अगर आपको वायरन सुनाई देता है, तो सबसे अधिक आपका ठोस में सुनाई देगा, ठीक है? यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखेंगे ध्वनि की जो सामान्य चाल होती है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्वनि की जो सामान्य चाल होती है वो कितनी होती है? तो आप बताएंगे ध्वनि, 1 मिनट ना, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की सामान्य चाल, ध्वनि की सामान्य चाल, ध्वनि की जो सामान्य चाल होती है आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है? तो ध्वनि की जो चाल होती है सामान्यतः 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है? ध्वनि की जो चाल होती है किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि आपके माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्वनि की जो चाल होती है माध्यम के अपवर्तनांक पर, माध्यम पर ही निर्भर करती है, जबकि ये निर्वात पर निर्भर नहीं करती, निर्वात में गमन नहीं करती, यही आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आई होप कि आपको ये वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा, है ना? तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद देखेंगे ध्वनि की विशेषताएं, परावर्तन। तो परावर्तन होता क्या है? तो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, फिर पुनः वापस आ जाता है, उसको परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए ध्वनि के परावर्तन की जो विशेषताएं हैं, तो ध्वनि एक माध्यम से, यानी ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पुनः वापिस आना, ये क्या कहलाता है आपका? पुनः वापिस आना आपका कहलाता है परावर्तन, ठीक है? ये तो लिखा ही नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, है? ये क्या कहलाएगा? पुनः वापस आना परावर्तन कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, ठीक है? जैसे इसका एग्जाम्पल आप मान लीजिएगा कुएं में झांकना, कुएं में जैसे झांकोगे, है ना, एग्जाम्पल आप मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा कुआं है, ये आपका क्या होगा? कुआं बना लेते हैं इसको, ये आपका मान लीजिएगा कुआं है, ठीक है? ये आपका बेल, ये आपका कुआं है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? और जैसे हम यहाँ पर झांकेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे तो आवाज कैसे सुनाई देगा? जैसे हम बोलेंगे, जैसे ही बोलेंगे उसको वापस, हमारा वापस सुनाई देगा, ये आपको परावर्तन, ठीक है? और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्वनि की विशेषताएं में परावर्तन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कुएं में झांकना कौन सा परिवर्तन है? तो कुएं में झांकना आपके ध्वनि की विशेषताएं हैं जो उसको वापस परावर्तन कर लेती है। जैसे पहाड़ हो गया, समुद्र तल हो गया, आपको मैं एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रतिध्वनि में आपको सुनाई देगी, ठीक है? तो देखिए ये आपको एग्जाम्पल आपको बताया, प्रतिध्वनि होता क्या है? तो प्रतिध्वनि जब किसी स्रोत में उत्पन्न ध्वनि को आगे जाकर पुनः टकरा कर उसी के साथ वापस आना आपका प्रतिध्वनि कहलाता है, ठीक है? तो देखिए जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई एक व्यक्ति है,
जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो इतना जोर से चिल्ला रहा है, इतना जोर से चिल्ला रहा है, माइक पकड़ के चिल्ला रहा है, अब एक चट्टान से टकराए, है ना। प्रतिध्वनि का मतलब होता है जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकरा कर पुनः स्रोत के साथ वापस आती है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। वस्तुतः यह ध्वनि परावर्तन का ही परिणाम होता है। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, जैसे कोई एक व्यक्ति है जो माइक से इसको चिल्लाएगा और ये आपके चट्टाने से, इस चट्टाने से टकरा कर वही आवाज आपको पुनः आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, है ना, आप लोग, है ना, मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ। जैसे आप राधा राधा चिल्लाओगे, है ना, पिक्चर में जैसा होता है ना, राधा राधा बोलोगे तो कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं होता। जब राधा चिल्लाओगे, राधा राधा बोलोगे, तो वही आवाज पुनः आपको टकरा कर वही आपको सुनाई देगी, राधा राधा राधा, है ना। यही आपका प्रतिध्वनि कहलाता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, इसको परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं चित्र के माध्यम से आपको बता दिया हूँ, ये आपका चित्र, चित्र के माध्यम से आपको बता दिया हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। है ना, तो चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाया हूं, तो आपको मैं डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, चित्र के माध्यम से आप समझ हो गए, है ना। तो जो प्रतिध्वनि की चाल है, मतलब ध्वनि है, 0.1 सेकंड में, जितना जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो जो जितना बोल रहा हूँ आपको सुनाई देगी, उसके बाद ही आप ग्रहण करोगे, वही 0.1 सेकंड है। तो ध्वनि प्रभाव हमारे कान में 0.1 सेकंड तक रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव एग्जाम में पूछ लिया जाए, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि का प्रभाव, ठीक है, ध्वनि का जो प्रभाव है, एक मिनट ना, ठीक है, जो ध्वनि का प्रभाव है वो आपका रहेगा 0.1 सेकंड तक। ध्वनि का जो प्रभाव रहता है वही 0.1 सेकंड तक रहता है, जबकि प्रतिध्वनि सुनाई देगा, और श्रोता को प्रतिध्वनि सुनने के अवरोध में आपके पीएससी एग्जाम, व्यापम, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो श्रोता है वो प्रतिध्वनि सुनने के अवरोध में 16.6 मीटर, 16.6 मीटर तक ही दूरी पर होना आवश्यक है। इनकी जो दूरी होगी वो 16.6 मीटर की दूरी तक होगी, 16 तक, यानी कि जो श्रोता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी कि जो श्रोता होगा, जो श्रोता होगा होगा वो ध्वनि सुनने के लिए, होगा वो प्रतिध्वनि सुनने के लिए 16.6 मीटर की दूरी होना आवश्यक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको सुपरसोनिक है, आप सभी विमान से समझ गए होंगे, ये आपको सुपरसोनिक होगा, है ना। सोनार, और ये आपका रडार, रडार को ध्यान से समझिएगा, रडार होता क्या है, रडार जैसे हवाई जहाज, ये रडार होता है, समझिएगा, रडार को एग्जाम्पल आपका हवाई जहाज, जैसे हवाई जहाज, जैसे कि अगर आसमान में उड़ रहा है या कहीं भी आ जा रहा है ना, तो उसके दूर दूर तक जो इसका जो किरणें निकलेगी, दूर दूर तक जो इसकी जो यंत्र है, जैसे कोई हवाई जहाज, मान लीजिए कि आपका हवाई जहाज है, और इनके चारों ओर एक यंत्र लगा होता है, इनके चारों ओर क्या होता है, यंत्र लगा होता है ये हवाई जहाज में, जो दूर दूर तक इसको पहचान लेते हैं। इसके नजदीक में अगर कोई हवाई जहाज जा रही होगी, है ना, तो इसके नजदीक में अगर हवाई जहाज जा रहा होगा तो इनको मालूम चल जाता है। ये किसके माध्यम से मालूम चलता है, तो रडार के माध्यम से चल जाता है। उसी प्रकार आपका जाएगा ये आपका पानी जहाज, जो है आपका सोनार तंत्र, ठीक है, सोनार तंत्र, ठीक है, जो सोनार तंत्र है, ये आपका मान लीजिएगा सोनार तंत्र इस प्रकार बनेगा, ये मान लीजिएगा आपका ये, ठीक है, ये यहां तक आप समझ लीजिएगा, इसमें आपका रहेगा पानी भरा हुआ,
ठीक है, आप देखिएगा ये आपका, ये मान लीजिएगा नदी है या गांव है, तो एक मिनट ना, मान लीजिएगा कोई आपकी ये पानी जहाज है, ठीक है, ये आपका मान लीजिएगा पानी जहाज, ठीक है, तो ये इसका जो दूर दूर तक नीचे में जो चट्टाने रहे नीचे में, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से समझ लीजिए, इसको पानी जहाज मान लीजिएगा, इसको तालाब मान लीजिएगा, मतलब समुद्र मान लीजिएगा, ठीक है, ये आपका समुद्र है जिसमें कोई चट्टाने हैं, ठीक है, तो सोनार तंत्र में यही है जो आपका पैरासोनिक, यानी कि जो सोनार तंत्र है जो पानी जहाज के नीचे लगा होता है, जो इसके दूर दूर तक, इसके दूर दूर तक इसको संकेत करता है पानी जहाज, तो इसके मछली अगर फंस गई हो या मछली उसके बीच आ गई हो या चट्टाने कुछ इसके पानी जहाज के अंदर आ गया हो, है ना, नीचे में, तो उसको पहले ही से ही इसको पता चल जाता है, उसी को सोनार तंत्र कहा जाता है, यही आपका रडार और सोनार तंत्र में अंतर होता है। तो ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा चित्र के माध्यम से। मान लीजिएगा यहाँ हवाई जहाज जो है आपका रडार के माध्यम से, जैसे हवाई जहाज मान लीजिएगा ये आपके आसमान में जा रही है, तो ये दूर दूर तक उसके यंत्र में, दूर दूर तक उसके आसपास जितने भी रहेंगे वो आपके रडार के माध्यम से उनको पहले से ही संकेत मिल जाए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो इसके लिए अलग से आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मैसेज कर दिया जाएगा, अगर आपको तैयारी करना चाहते हैं तो। आज के लिए फिर इतना ही, जय हिंद।